जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत विठल नगरी यानी कि आज हम पंढरपुर की बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि हमको पंढरपुर कैसे पहुंचना है, वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है, विठल रुक्मणी जी का दर्शन कैसे मिलेगा और हमको पंढरपुर में किन किन जगह घूमना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि कुल खर्चा कितना आ जाएगा अगर हम पंढरपुर फैमिली सहित जाते हैं तो। चलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हम पंढरपुर कैसे पहुंचे। दोस्तों पंढरपुर पहुंचने के लिए आपके पास तीन मार्ग है। बाई रोड अगर आप आते हैं तो आपको पंढरपुर आने के लिए हर जगह से यानी कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, शिरडी हो गया, नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, आपको बहुत कनेक्टिविटी मिलेगी पंढरपुर तक बस से आने के लिए। या फिर अगर आप खुद की कार से आ रहे हैं तो खुद की कार से भी आप बाई रोड आ सकते हैं, रोड काफी अच्छी बनी हुई है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा बाई ट्रेन। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको पंढरपुर रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको पंढरपुर आने के लिए लंबी दूरी की ट्रेन ना मिल पाए, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पंढरपुर आने के लिए आप ट्रेन चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रेक जर्नी करके दो ट्रेन बदल सकते हैं। और वो दो ट्रेन कहाँ कहाँ से मिलेंगे तो आपको मुंबई से मिलेगी, मिरज से मिलेगी, कुर्दुवाड़ी से मिलेगी, शिरडी से भी डायरेक्ट ट्रेन चलती है। तो इस हिसाब से आप अपना जो भी रूट है उस रूट से आप पंढरपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। तीसरे विकल्प की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो वो है आपका एरोप्लेन यानी कि फ्लाइट से। दोस्तों फ्लाइट से अगर आप आते हैं तो आपका सोलापुर में ही एयरपोर्ट है, लेकिन सोलापुर से पंढरपुर की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर की है। और यदि आपको सोलापुर तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती आपके शहरों से तो आप पुणे तक आइए, और पुणे से भी आप बाई रोड पंढरपुर पहुंच सकते हैं जो कि 200 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है आपका। चलिए दोस्तों हम पंढरपुर फाइनली पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको अब मंदिर पहुंचना है यानी कि विट्ठल महाराज और रुक्मणी माता का हमको दर्शन करना है। हम सब इसी योजना से आए हुए हैं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी माता का मंदिर तो है ही, लेकिन यहाँ पे अनेक मंदिर है। जैसे कि मथुरा और वृंदावन में मंदिरों की नगरी है, इसी तरीके से पंढरपुर भी हमारा मंदिरों की नगरी कहा जा सकता है। दोस्तों विट्ठल रुक्मणी जी के दर्शन करने से पहले हम कुछ चीजें जानते हैं कि हमको रुकना कहाँ पे है। दोस्तों रुकने के लिए पंढरपुर में काफी उत्तम व्यवस्था है कि सस्ते से सस्ते दाम में आपको वहाँ पे धर्मशाला मिल जाएंगे, वहाँ पे ट्रस्ट के रूम मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे गजानन महाराज का वहाँ पे ट्रस्ट है तो वहाँ के भी रूम मिल जाएंगे, और प्राइवेट होटल्स की भी अगर मैं बात करूँ तो भी आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे। बात करते हैं एक एक करके कि वहाँ पे किन किन धर्मशाला में हमको रुकना चाहिए। कुछ धर्मशालाओं के मैं आपको नाम बता देता हूँ, आगरी धर्मशाला, महेश्वरी धर्मशाला, पद्माशाली धर्मशाला और शारदा धर्मशाला। दोस्तों ये सब जो धर्मशाले हैं ये आपके मंदिर परिसर से इर्द गिर्द है, यानी कि 1 से 2.5 किलोमीटर के आसपास आपको ये सारे धर्मशाले देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप रेलवे स्टेशन से अगर आप मंदिर परिसर भी आते हैं तो ऑटो वाला आपसे 20 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से लेगा, और यदि अगर आप बुक करके आते हैं तो वो 80 रुपए या फिर 100 रुपए आपका चार्ज करेंगे। तो आप ऑटो से मंदिर परिसर पहुंच सकते हैं। मंदिर के आसपास आप होटल्स देख लीजिए, धर्मशालाएं देख लीजिए, और अगर मैं बात करूं गजानन स्वामी के ट्रस्ट की तो वहां पे भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों वहां पे गजानन स्वामी का ट्रस्ट है जो कि वहां भी आपको रूम मिलते हैं। रूम की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो 400 से आपको 700-800 तक आपको रूम मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप लोग कितने मेंबर हैं, उस हिसाब से आपको उतने बेड का आपको रूम दे दिया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों धर्मशाला की तो धर्मशाला का जो कॉस्ट होता है वो आपका 250 से 300 रुपए आपका बढ़ जाएगा। तो आपका अगर बजट कम है तो आप वहां भी रुक सकते हैं धर्मशाला में। अगर आपको धर्मशाला नहीं मिलती है तो फिर आप गजानन स्वामी के ट्रस्ट में भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों गजानन स्वामी का जो मेन मंदिर है वो बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेगांव में पड़ता है, उसकी वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगा। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि गजानन स्वामी का यहाँ पे भी ट्रस्ट है तो यहाँ पे भी आपको रूम आसानी से मिल जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, आधा से एक घंटे के आसपास। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों रुकने की तो वो है विट्ठल रुक्मणी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी आपको कुछ भक्त निवास दिया जाता है। पहले भक्त निवास की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है आपका MTDC भक्त निवास। दोस्तों यहां पे आपको काफी रूम मिल जाएंगे। यहां पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये आपको 400 रुपए में आपको एक रूम मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोग के हिसाब से आपको 400 रुपए में आपको एक दिन का रूम आपको मिल जाएगा। वही अगर दूसरे में भक्त निवास की बात करूं तो वो है आपका वेदांत भक्त निवास। दोस्तों वेदांत भक्त निवास की जो रेट की बात करूं, अगर मैं आप नॉन एसी 4 बेड लेते हैं तो उसका किराया आपका 600 रुपए पड़ जाएगा। और वही अगर मैं तीसरे भक्त निवास की बात करूं तो वो है आपका वीडियोकॉन भक्त निवास। दोस्तों वीडियोकॉन भक्त निवास की अगर मैं रेट की बात करूं तो ये भी आपका 600 रुपए 4 बेड का पड़ जाता है। यहाँ भी आपको काफी रूम मिल जाएंगे, 12%, 2%, 3% के हर प्रकार के आपको रूम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आपको भक्त निवास में रुकना वहां रुक सकते हैं, धर्मशालाएं में रुक सकते हैं, या फिर आप गजानन स्वामी का वहां पे ट्रस्ट है तो वहां पे भी आप रुक सकते हैं। और लास्ट दोस्तों कि अगर आपको रूम मिलता ही नहीं है तो फिर आप प्राइवेट होटल में जा सकते हैं। प्राइवेट होटल का भी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 800 से 1000 रुपए तक आपको एक दिन का रूम आपको मिल जाएगा।
चलिए सो अब हम बात करते हैं कि हमको पंढरपुर पहुंचने के लिए सबसे उचित और सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा। दोस्तों अगर आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको शांत मन से दर्शन करना है और आपको कम भीड़ भाड़ में और आपको जल्दी दर्शन करना है, तो उस केस में मैं ये बताऊंगा कि आप किन किन पर्व को छोड़कर आप पंढरपुर जा सकते हैं। पहला पर्व तो ये कि मकर संक्रांति। दोस्तों पंढरपुर में मकर संक्रांति के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है। दूसरा पर्व है हमारा रामनवमी के दिन। दोस्तों रामनवमी के दिन भी पंढरपुर में काफी ज्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपका माघ महीने में भी आपको पंढरपुर अवॉइड करिए अगर आप भीड़ पसंद नहीं करते हैं तो। चौथा आपका कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी में भी अच्छी खासी भीड़ होती है पंढरपुर में। चंद्रभागा नदी में भी काफी भीड़ हो जाती है, यानी कि पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी माता का दर्शन करने के लिए काफी श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। और लास्ट में बात करूंगा दोस्तों, वो है आपका कार्तिक का महीना, यानी कि अक्टूबर महीने में भी काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि विट्ठल रुक्मिणी का वो मुख्य पर्व माना जाता है कार्तिक महीने में, इसलिए वहां पे भी ये ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो इन चार पांच मुख्य पर्व को अगर आप छोड़ देते हैं, बाकी आपको सीजन में आराम से कम भीड़ में आप दर्शन कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लाइन से भी बचना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन दर्शन की भी आपके यहाँ पे सुविधा है। दोस्तों अगर आप लाइन से लगेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने के। लेकिन यहाँ पे अगर ये बताऊं कि अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं, आप कम समय में यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप दर्शन करना चाहते हैं, तो वहां पे ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। दोस्तों ऑनलाइन फैसिलिटी, आपको ऑनलाइन टिकट निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको दर्शन टिकट आपको निकालनी पड़ेगी। कहां से निकालेंगे, तो आपकी वेबसाइट विट्ठलरुक्मिणीमंदिर.org में आप विजिट करके अपनी ऑनलाइन टिकट निकलवा सकते हैं। और जो भी आपका डेट होगा और जिस टाइम पे आप चाहते हैं दर्शन करने के लिए, वहां पे आप बुकिंग करिए और बुकिंग करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। एक अपनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड पकड़ लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आपकी पासपोर्ट हो, और अपने साथ रख लीजिए। ऑनलाइन अगर आप पास निकलवा लेते हैं तो आपको काफी सहूलियत मिल जाएगी और आपको लाइन में भी फंसना नहीं पड़ेगा। दोस्तों दर्शन करने से पहले सारे श्रद्धालु चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी पहले वहां पे चंद्रभागा नदी में स्नान करिए। दोस्तों चंद्रभागा नदी मंदिर परिसर से 1/2 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि आपको 5 मिनट में वहां आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों चंद्रभागा नदी का नाम चंद्रभागा इसलिए पड़ा है, तो वो भीमा नदी, जो कि मैंने आपको भीमा शंकर वाली वीडियो में बताया था कि वहां पे भीमा शंकर में भीमा नदी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों वो भीमा नदी बही हुई है हमारे पंढरपुर में, लेकिन वहां पे वो चंद्र आकार का ली हुई है, इसलिए उसका नाम चंद्रभागा नदी नाम रख दिया गया है। तो दोस्तों आप चंद्रभागा नदी में स्नान करिए, डुबकी लगाइए, जय श्री कृष्ण कहते हुए लाइन में लगिए और विट्ठल रुक्मिणी महाराज जी के दर्शन करिए। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं, और वही अगर आप पर्व में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक का महीना, माघ का महीना और मकर संक्रांति, इन सब पर्व में अगर आप आते हैं तो आपको लाइन में 2 से 3 घंटे भी आपको लग जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन टिकट निकलवाए हैं तो अति उत्तम है। ऑनलाइन दर्शन की आपको टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप ऑनलाइन पास निकलवा लीजिए, ज्यादा उचित होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम अब खाने पीने की। दोस्तों पंढरपुर में खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे भोजनालय है, बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल्स है, तो कहीं भी जाके आप भोजन कर सकते हैं। रेट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपका थाली सिस्टम के आधार पे आपको 60 रुपए से लेके 150 रुपए तक थाली आपको अलग अलग होटल में अलग अलग दाम पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको खाना पसंद है आप किसी भी होटल में जाके खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप गजानन स्वामी के ट्रस्ट में रुके हुए हैं, तो वहां पे ट्रस्ट की तरफ से ही खाना दिया जाता है, तो उसका जो थाली कॉस्ट है वो 35 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो अगर आप गजानन स्वामी में रुके हुए हैं या फिर अगर आप बाहर भी रुके हुए हैं, तो भी आप गजानन स्वामी के ट्रस्ट में जाकर आप वहां भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 35 रुपए थाली इसका कॉस्ट होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमको पंढरपुर में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों कम से कम 2 दिन तो आप स्टे जरूर बनाइए। अगर आप 2 दिन भी रुकते हैं तो आप प्रमुख प्रमुख मंदिर सारे घूम लेंगे और आराम से विट्ठल रुक्मिणी माता जी का दर्शन आप आराम से कर लेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2 दिन का स्टे बनाइए पंढरपुर में और आप आराम से पंढरपुर को घूमिए, दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और वापस रवानगी ले लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे तरफ, यानी कि पंढरपुर में हमको और किन किन जगहों पे घूमना चाहिए, कौन कौन से वो मंदिर हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा पुंडलिक मंदिर की। दोस्तों पुंडलिक मंदिर, अगर आप चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं तो वहीं पे पुंडलिक मंदिर है, तो पांडुलिक मंदिर में भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं, वहां पे भी अपने मत्थे टेक सकते हैं। अगले अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका नामदेव पायरी। दोस्तों नामदेव पायरी विट्ठल महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, वहां भी आप जाके कुछ समय वहां भी दे सकते हैं। अगले अगर दोस्तों मैं बात करूं, वो है आपका गोपालपुरा। दोस्तों गोपालपुरा में भी आप जाकर वहां भी दर्शन कर सकते हैं, कुछ समय आप वहां भी दीजिए। चौथे स्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका विष्णुपद। दोस्तों विष्णुपद में भी जाके आप वहां दर्शन कर सकते हैं, वहां पे विष्णु जी के चरणों के निशान है, तो वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। चंद्रभागा नदी के बीच में ये मंदिर है, तो आप विष्णुपद भी जाके यहां भी आप दर्शन करिए, कुछ समय आप यहां भी बताइए। काफी अच्छा आपको नजारा मिलेगा जब आप चंद्रभागा नदी के बीचों बीच विष्णुपद में खड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले स्थान की हम बात करते हैं, वो है आपका
पद्मावती माता का मंदिर। दोस्तों पद्मावती माता का मंदिर भी पंढरपुर में ही है, वहां भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि विष्णु जी की ही पत्नी कहलाती थी। तो दोस्तों इन सारे जगहों पे आप घूम सकते हैं। बात यहां पे आती है कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों वहां पे आप कोई भी ऑटो करिए, ऑटो वाला आपसे 1000 से 1500 रुपए बोलेगा और इन सारे जगहों पर आपको घुमा देगा। लेकिन आप ऑटो वाले से थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करवा सकते हैं, वो आपको 1000 रुपए 800 रुपए में आपको आराम से इन सारे जगहों को घुमा के 4-5 घंटे में सारे स्थान को कवर करके आपको वापस पंढरपुर मंदिर परिसर में छोड़ देगा, या फिर जहां भी आप रुके हुए हैं वो वहां आपको ड्रॉप कर देगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, हमने विट्ठल रुक्मणी माता जी का दर्शन किया तो हमको प्रसाद भी चाहिए। दोस्तों वहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से ही लाडू प्रसाद दिया जाता है, जो कि मंदिर परिसर से ही लगा हुआ एक खिड़की बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप लाडू ले सकते हैं और जो भी प्रसाद आपको चाहिए वो भी आप वहाँ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे आखिरी टोटल खर्चा कितना आ जाएगा पंढरपुर में हमको घूमने के लिए। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप ऑटो से घूमते हैं और आप ट्रस्ट के रूम पे रुकते हैं, तो इन सारे खर्चों को अगर मिलाया जाए तो मैं फैमिली अगर मैं बात करूं, यानी कि 4 लोगों की अगर मैं फेयर की बात करूं, तो दोस्तों आपका आराम से 5000 से 6000 रुपए आप पंढरपुर में घूम लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, बस की टिकट या फिर आपके फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया, मैं सिर्फ पंढरपुर के टोटल कॉस्ट को बता रहा हूँ, जो कि अगर फैमिली ट्रिप करते हैं, अगर आप 4 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली आपका 5000 से 6000 रुपए लग जाएगा पूरा पंढरपुर घूमने के लिए, विट्ठल महाराज रुक्मणी माता जी का दर्शन करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको पंढरपुर के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, फिर अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास में विजिट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है, और मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, आपकी यात्रा मंगलमय हो।